नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी जो है वो खतरे में है। हम आपको बता दें कि 22,000 नियोजित शिक्षकों के लिए अब बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि बीएड किए हुए शिक्षक अयोग्य है, उसके बाद अब के पाठक ने जिला पद अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे आदेश में पत्र में लिखा है कि तमाम जिलों से जो बीएड धारी शिक्षक है उनकी डेटा को उपलब्ध कराए ताकि दो दिनों के अंदर ही उनकी जो नियुक्ति है वो रद्द किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 22,000 जो शिक्षक है वो पढ़ाने के लायक नहीं है, जिसके बाद उनकी नौकरी पर तलवार लटक रहा था और वो तमाम जो शिक्षक है वो पटना पहुंचे हुए थे। हमने आपको ये भी दिखाया था कि पटना में बड़ी बैठक किए थे और उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी थी कि उन्हें नौकरी से ना हटाया जाए, जिसके बाद अब के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया है। के पाठक ने तमाम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है कि दो दिनों के अंदर तमाम बीएड धारी जो शिक्षक हैं उनकी डेटा उपलब्ध कराए ताकि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी से बर्खास्त किया जा सके। और तमाम जिला पदाधिकारी जो हैं अब उनकी डेटा को उपलब्ध करवाने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि 44,000 शिक्षकों की नई बहाली की गई थी, जब शिक्षकों का कमी था बिहार में, उसमें से 22,000 जो शिक्षक थे वो बीएड धारी थे। ऐसे में कोर्ट ने अब आदेश दिया कि बीएड धारी जो शिक्षक है वो पढ़ाई कराने के उनकी योग्यता नहीं है, वो अयोग्य हैं। उसके बाद अब कोर्ट का आदेश को मानते हुए के पाठक ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उनकी तमाम जो डेटा है उसे जमा कर लिया जाए और जमा करने के बाद बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भेजा जाए ताकि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। लगातार जो बीएड धारी शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश आने के बाद अब सरकार का बड़ा फैसला लेने जा रही है। और सरकार जैसे ही ये फैसला ले लेगी वैसे ही 22,000 जो शिक्षक हैं उनके ऊपर जो खतरे की घंटी बज रही है नौकरी पर वो कंफर्म हो जाएगा और वो नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ सरकार बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को स्कूल में भेज रही है पढ़ाने के लिए और वहीं पर 22,000 जो शिक्षक है उनकी घर की चूल्हा जो है वो बुझने वाली है, क्योंकि वो कमाते थे तो उनका घर परिवार चलता था, लेकिन सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद सरकार बेबस हो गया है और उस फैसले को मानते हुए अब उनका डेटा जो है वो जमा किया जा रहा है ताकि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसे पालन कर सके। और जैसे ही डेटा सरकार के पास पहुँच जाएगा कि कौन कौन से जिले में कितने बीएडधारी शिक्षक हैं और कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो बीएड धारी शिक्षक है जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था नौकरी चले जाने का, अब उनके लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द उनका जो तमाम डेटा है, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो पूरा कर लीजिए। शिक्षा विभाग को आदेश जारी हुआ है जिला शिक्षा विभाग को कि उन तमाम जो शिक्षक हैं उनका डेटा उपलब्ध कराइए, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए और उसे पटना शिक्षा विभाग को भेजिए ताकि वो अपना फैसला लेते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सके। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।